हाय दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों आप लोगों का स्वागत आपके ही चैनल नॉलेज कॉलेज में, जहां मिलता है आपको टेक्नोलॉजी पर ज्ञान। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पास कैनन X50 है और हमारे पास एक रिमोट है, जो रिमोट का नाम है कैनन वायरलेस कंट्रोलर WLD89। तो इस कंट्रोलर से हम, ये रिमोट से हम लोग X50 को कंट्रोल करेंगे। क्या कंट्रोल कर सकते हैं इसमें? रिकॉर्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ, फोटो ले सकते हैं, जूम कर सकते हैं, मेनू में पूरा एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो प्लेबैक करके जो आपका ऑप्शन है, आप वीडियो को देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, सब कुछ इसमें अप एंड डाउन, ये जो है मैंने अप एंड डाउन जो ऑप्शन है उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो को देखिए, बहुत ही इजी है, बस कुछ नहीं, इसको जस्ट आपको ऑन कर देना है। ऑन इन द सेंस बैटरी आपको इसमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके बस आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम कैमरे की तरफ करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन है ये रिमोट का, जैसे आप देखिए स्टार्ट स्टॉप, फोटो जूम, डिस्प्ले, वाइड टेली, फिर सेट, अप डाउन, लेफ्ट राइट, पॉज, तो ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम देखिए ये स्टार्ट और स्टॉप, माने ये जो स्टार्ट है, ये जो स्टार्ट है स्टॉप, इसको हम प्रेस करेंगे तो देखिए ये रिकॉर्ड होगा, देख रहे हैं रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर बंद हो गया, मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। और इस जो रिकॉर्डेड है वो हम सब आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, ये फोटोज़, देखिए ये फोटोज़, ये फोटोज़ आपका है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो फोटो क्लिक करेगा, फोटो हो रहा है। तो दो फोटो क्लिक किए, अब ये देखिए हम जूम करेंगे, ये वाइड होगा, हम सामने की तरफ भी जाके कर सकते हैं, हम सामने की तरफ भी जाके कर सकते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, अपने हिसाब से पूरा एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमको मेनू में काम करना है तो इधर पूरा मेनू का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम मेनू प्रेस करेंगे, ये मेनू प्रेस करेंगे, मेनू आ गया। अब मेनू को भी हम आराम से अपने हिसाब से लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो हम इस तरफ जाते हैं, देखिए अब चेंजेस हो रहा है। अगर हम ठीक है, ये पूरा अपने आपके हाथ में पूरा ऑप्शन है, आप पूरा एक्सेस कर सकते, पूरा इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको क्रॉस करते हैं, फिर ये जो है नीचे देखिए इस तरह से एक डिस्प्ले करके ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्प्ले, डिस्प्ले, तो इसको प्रेस करेंगे ना तो जो पूरा देख रहे हैं ये क्लीन हो जाएगा, ये पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पूरा ऑप्शन दिया हुआ है कि प्ले और पॉज का, प्ले और पॉज का, इधर देखिएगा प्ले और पॉज का पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। प्ले और पॉज के लिए, प्ले और पॉज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेबैक मोड में जाना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो मैं शूट किया हूँ वो मैं देखना चाहता हूँ, तो एकदम मैं नीचे आऊँगा, अब मैं इसको ओके करके प्रेस करूँगा, ये स्टार्ट। अगर हमको देखिए, अगर ये हमको प्ले करना है, स्टॉप करना है, तो इससे कर सकते हैं, ये बटन डेडिकेटेड दिया। अगर हम बैक करना है तो बैक इससे आ सकते हैं, ये वाला, ये बैक का एक ऑप्शन दिया हुआ, तो पूरा इजीली तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है, देखिए इधर का एक ऑप्शन है, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो जैसे मेरा ए कार्ड, बी कार्ड में मेरा MP4 का फाइल है, हो सकता है बी कार्ड में मेरा MP4, बी कार्ड में मेरा XAVC का फाइल है या फोटोज़ है, तो अब मैं अपने हिसाब से यहाँ मैं इंडेक्स को चूज़ करूँगा, मैं फ़ोटोज़ में जाऊँ, अभी जो हम फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं वो फ़ोटो सब आ जाएगा,
देखिए ये फोटो सब आ गया, तो बहुत ही इजी ऑप्शन है, इजली तरीके से आप, तो बहुत ही इजी ऑप्शन है, इजली तरीके से आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बैटरी इंसर्ट कीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। और मॉडल नंबर है कैनन का वायरलेस कंट्रोलर WLD89। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।